हाय एवरीवन दिस इज वे आज का टॉपिक हमारा एलिफेंट्स पे है देखिए वन लाख थर्टी थाउजेंड एलिफेंट्स जो है कुछ नए ऑयल फील्ड्स अफ्रीका में मैसिव ऑयल फील्ड्स जो हैं वो बन सकते हैं जिससे इन एलिफेंट्स का इकोसिस्टम हैबिटेट खतरे में है इनकी जान खतरे में है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और देखिए साथ में ये आपका जनरल स्टडीज थ्री में कवर होता है जहाँ पर टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली आपका इन्वायरमेंट में टॉपिक आता है कंजर्वेशन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डिग्रेडेशन कहीं पे भी और ये यूपीएससी की बात है बट ये टॉपिक आपके बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी कोई भी क्वेरी आप कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टू गैदर वी कैन मेक अव्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा आ, ओके अब देखिए ये पूरी न्यूज़ क्या है टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट्स यहाँ पे हम अफ्रीकन एलिफेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि थ्रेट में है फ्रॉम प्लान्ट फॉर अ मैसिव न्यू ऑइल फील्ड एक नया ऑयल फील्ड को प्लान किया जा रहा है उस एरिया में और ये हम कॉन्टिनेंट का अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक लार्जेस्ट ऑयल फील्ड भी हो सकता है वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड और इस एरिया में आप कह सकते हैं वाइल्डरनेस भी बहुत है ग्रेट वाइल्डरनेस यहाँ पर बहुत सारा फ्लोरा फाउना एनिमल्स की हैबिटेट हैं अब जो कैम्पेनर्स हैं और कंजर्वेशनिस्ट हैं उनको ये डर लग रहा है कि अगर ये बना तो इससे बहुत सारे एनिमल्स का घर जो है वो तबाह हो जाएगा और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेशली नाम्बिया और बॉट्सवाना रीजन की जहाँ पे रीजनल इकोसिस्टम को खतरा है लोकल कम्युनिटीज सब इस पर प्रोटेस्ट कर रही हैं तो देखिए गार्डियन ने भी यहाँ पे आर्टिकल में न्यू ऑयल फील्ड के बारे में बताया अफ्रीकन वाइल्डनेस थ्रेटन्स लाइव्स ऑफ और यहाँ पे कितने एलिफेंट्स की बात हो रही है वन लैख थर्टी थाउजेंड ये जो प्रोजेक्ट है नाम्बिया और मैप में आप नाम्बिया और बॉट्सवाना को यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे ये पूरा ऑयल फील्ड एक्सप्लोरेशन चल रही है अब देखिए एलिफेंट्स को यहाँ पे खतरा है और हमने देखा इस एरिया में पिछले कुछ सालों में लास्ट ईयर की अगर आप बात करें बहुत सारे एलिफेंट्स की जान चली गई मिस्टीरियस रीजन की, की वजह से सब यू you नो know, कुछ कोई कुछ कहता है रिसर्चर्स कुछ कह रहे हैं कुछ रिपोर्ट्स आई काफ़ी मास Uh, आप कह सकते हैं काफ़ी लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है एलिफेंट्स की यहाँ पे खत्म हुई और साइंटिस्ट उसका कॉज ढूंढते रहे कि डेथ किस वजह से हुई और फाइनली एक रिपोर्ट सामने आई और उन्होंने बताया इन एलिफेंट्स की डेथ हुई है टॉक्सिक एलगी की वजह से जहाँ पे ये पानी पीते हैं वहाँ पे एलगल ब्लूम्स हो रहे हैं और वो काफ़ी इनके लिए हानिकारक है जिससे सीधा एलिफेंट्स की डेथ हो गई एलगी जो है वो काफ़ी टॉक्सिक साबित हुई तो ये आप न्यूज़ रिपोर्ट्स देख सकते हैं बोट्सवाना सेज इट हैज सॉल्व मिस्ट्री पहली काफ़ी देर तक ये मिस्ट्री बना रहा कि एलिफेंट्स की डेथ कैसे हो गई पिक्चर में आप देख सकते हैं कितने सारे एलिफेंट्स की डेथ हुई और बाद में पता चला कि ये सब टॉक्सिन्स की वजह से हुआ है जो वाटर होल के बैक्टीरिया में मिले और एलगी को भी यहाँ पे रीजन बताया गया अब यहाँ पे एक कंपनी है ऑयल एंड गैस कंपनी कैनेडा बेस्ड कंपनी जिसका नाम है रेकॉन अफ्रीका जो कि फॉसिल फ्यूल्स को लेके हंट करती रहती है कि कहाँ से फॉसिल फ्यूल्स मिले क्योंकि आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं आप जो पेट्रोल डीजल जो भी चीजें यूज करते हैं उसी की वजह से हैं तो हम सोर्सेस क्योंकि एनर्जी का सोर्स है ये सोर्स एक्सप्लोर करते रहते हैं अब अफ्रीका में अगर आप बात करें एक समय पे यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स थे मिलियंस ऑफ एलिफेंट्स लेकिन समय आते आते इनका पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ होता गया और अब ये जिस रैकन अफ्रीका जहाँ पे एक्सप्लोर करने वाला ऑयल एंड गैस को वहाँ पे नंबर तो आपको बार बार मैं बता रही हूँ वन लाख थर्टी थाउजेंड एलिफेंट्स जो हैं यहाँ पे रह गए हैं उन्होंने इस एरिया को अपना घर बना लिया है होम रेंज बना लिया है लेकिन इन प्लान से इनका ये घर खतरे में है अब रैकन अफ्रीका मैं आपको बता चुकी हूँ कैनेडिया कैनेडा बेस्ड ऑयल एंड गैस कंपनी है और ये अलग अलग जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर काम करती है एक्सप्लोर करती है कि कहाँ पे ऑयल हो सकता है गैस का पोटेंशियल कहाँ पे है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट नाम्बिया और नॉर्थ वेस्ट बॉट्सवाना में इस एरिया में लेकिन अभी तक इनके पास सिर्फ एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस है कि आप एक्सप्लोर कीजिए देखिए कहाँ पर बन सकता है लेकिन यहाँ पर अभी आप कह सकते हैं प्रोडक्शन प्लांट लगाने का लाइसेंस इनको अभी नहीं मिला है अब जो गवर्नमेंट है वो कहती है जहाँ पे ये लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं वहां पे वाइल्ड लाइफ को, को कोई खतरा नहीं है लेकिन रिसर्चर्स और इन्वायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट का मानना है कि बिल्कुल खतरा है उनका हैबिटेट पूरा बर्बाद हो जाएगा अब जो रेकन अफ्रीका है और यूएस एंड द यू एस हेज़ लीज्ड ओवर थर्टी फोर थाउजेंड स्क्र किलोमीटर ऑफ लैंड इन द कवांगो बेसिन यहाँ पर इतना थर्टी फोर थाउजेंड स्क्वायेयर जो लैंड है इनको लीज़ पर इन्होंने लिया है यहाँ पर इनके एक्सप्लोरेटरी काम चलते रहते हैं कि देखिए कहाँ पर ऑयल गैस हो सकता है न्यू ऑयल फील्ड उन्होंने यहाँ पर रिसेंटली नाम्बिया के इस रीजन में आप देख सकते हैं सजेस्ट किया है अब पे पे जो ऑयल ऑयल गैस इन्होंने एक्सप्लोर किया इनका मानना है है कि यहाँ पे बहुत सारा हो सकता है, 60 बिलियन बिलियन टू 120 और इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएगी रीजनल इकोनॉमी के लिए भी उस देश की जो रीजनल इकोनॉमी है उनको भी फायदा होगा लेकिन वही जो मैंने आपको बताया कि एक्सप्लो इनके पास एक्सप्लोरेटरी लाइसेंसेज हैं कि जाके एक्सप्लोर कीजिए लेकिन इनके पास अभी तक इनको परमिशन नहीं है कि आप प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं और नेक्स्ट चीज मैं आपको बता चुकी हूँ इसी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि इस एरिया में वाइल्ड लाइफ तो ठीक है इसके साथ क्रिटिकल वाटर सप्लाईज भी हैं उसको भी खतरा होगा जो आपका ओका वांगो का डेल्टा है बॉट्सवाना में वो भी डेंजर में आ जाएगा तो आप कह सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं आगे पीछे सबको खतरा होगा हमारे देश में भी जैसे अभी बक्सवाहा पे प्रोटेस्ट चल रहा है डायमंड माइनिंग खुलनी है तो ऑलरेडी उसको देख के आप देख सकते हैं कितने सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा अब एक तरफ आपकी डेवलपमेंट आती है कि आप इकोनॉमी को रेस कीजिए दूसरी तरफ आपको इन्वायरमेंट आता है तो हम किसी एक को चूज नहीं कर सकते हमको कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं एनी anyway, अब ये जो एलिफेंट्स का किस्सा है नाम और बॉट्सवाना का इसके कॉन्सिक्वेंसिस क्या हो सकते हैं इस ऑपरेशन में नए रोड्स बनेंगी ड्रिलिंग लोकेशन जहाँ पे होगी वहाँ पे ड्रिल किया जाएगा रिफाइनरीज़ के टर्मिनल्स बनाए जाएंगे इससे इकोसिस्टम को बहुत नुकसान होगा और लोकल कम्युनिटीज़ को भी नुकसान होगा क्योंकि वो फार्मिंग और फिशिंग के लिए इसी एरिया पे डिपेंड करते हैं तो इसलिए भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बाद एनिमल्स को क्या नुकसान होगा ये जो ड्रिलिंग होती है जितना भी आपका एक्सप्लोरेटरी वर्क चलता है इसमें बहुत सारी वाइब्रेशन होती हैं इस वाइब्रेशन से एलिफेंट्स डिस्टर्ब होते हैं अब आपका इंस्ट्रक्श कंस्ट्रक्शन वर्क रोड्स को लेकर ट्रैफिक को लेकर इंक्रीज होगा एनिमल्स को चेज करते हैं तो ह्यूमन एनिमल जो है वो इंक्रीज होगा पोचर्स जो एलिफेंट्स को मारने के लिए वैसे ही तुले रहते हैं वो इस एरिया में आ सकते हैं एनिमल्स को अगेन नुकसान होगा तो आप देख सकते हैं कि सबके कॉन्सिक्वेंसिस क्या है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बहुत ज्यादा डेंजर हमको आने वाले समय में दिख सकता है अब आपको पता है कि एलिफेंट्स के साथ स्पेशली ये माइग्रेट करते हैं फूड की सर्च में इनके माइग्रेटरी रूट्स हैं एलिफेंट कॉरिडोर्स होते हैं ये मूव करके जाते हैं अगर ये सब काम शुरू होगा तो ये रेकलेसली कहीं पे भी मूव करने लगेंगे विलेज के बीच में से जाएंगे एग्रीकल्चरल रीजन्स के बीच से जाएंगे तो इससे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होता रहेगा रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि चाइना के साउथ चाइना के एरिया में बहुत सारे एक ग्रुप बहुत सारे नहीं एक ग्रुप है एलिफेंट्स का फोर्टीन फिफ्टीन एलिफेंट्स हैं उसमें जो कि बहुत ही लॉन्ग मार्च पे निकले हैं लॉन्ग मार्च पे निकल रहे हैं मतलब शहरों से भी गुजर रहे हैं विलेज से भी गुजर रहे हैं और रीज़न नहीं पता चल रहा एक मिस्ट्री बनी पड़ी है तो इस तरह से आप देख सकते हैं एलिफेंट्स पर कितना असर इन चीज़ों का हो रहा है अब अगर आप स्टाटिस्टिक्स देखेंगे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के live in closer proximity. जैसे जैसे आप जंगल काटते जाएंगे तो एलिफेंट ह्यूमन पॉपुलशन के पास आते जाएंगे उनके एग्रीकल्चर रीजन के पास आते जाएंगे अब आपने किसी फार्मर ने जिसकी पूरी जिंदगी फार्म पे डिपेंड करती है उसने क्या किया है पूरे एग्रीकल्चर सीजन में क्रॉप्स लगाए हैं फिर एक एनिमल आके सडनली उसको डिस्ट्रॉय कर देता है तो कन्फ्लिक्ट तो होगा राइट right? तो इन चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं उनका घर बचा के अब इंडिया की बात आप देखें एनुअल डेथ जो है फोर लोगों की एनिमल यानी एलिफेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट की वजह से होता है और हंड्रेड एलिफेंट्स भी इसमें ऑलमोस्ट मारे जाते हैं श्रीलंका का भी सेम कहानी है सेवेंटी ह्यूमन टू हंड्रेड एलिफेंट मॉटिलिटीज़ कन्फ्लिक्ट की वजह से होती है कीनिया में भी फिफ्टी टू वन ट्वेंटी तो यहाँ पे आप ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक सेलिफेंट्स जो है आसाम <coughs> uh, में, में वो मारे गए केरला में एलिफेंट्स ने क्या किया एक फ्रूट खाया जिसमें क्रैकर था किसी ने डाल के रखा था जान के उस एनिमल को नुकसान हुआ तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो कंसर्न यही है कि एलिफेंट्स जो हैं काफ़ी लॉन्ग लिव्ड एनिमल्स हैं काफ़ी समय से चल रहे हैं उनका जो सर्वाइवल है सर्वाइव कैसे करते हैं इनके रेगुलर माइग्रेशन एरियाज होते हैं डिस्टेंसेस ये चल के जाते हैं फूड के लिए वाटर के लिए रिप्रोडक्टिव पार्टनर्स के लिए सोशल पार्टनर्स के लिए तो इनका पूरा घर ही तबाह हो जाएगा अगर इस तरह की एक्टिविटीज चली और बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी इनकी पूरी नहीं हो पाएंगी तो सबसे ज्यादा खतरा कॉन्सिक्वेंस यही है कि ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट एक बड़े लेवल पे हमको दिखेगा फिर ह्यूमन तो सेल्फिश हैं या कोई ना कोई अपना बेनिफिट निकाल लेंगे तो इनकी पॉपुलेशन पर असर पड़ेगा एलिफेंट्स धीरे धीरे मरने शुरू हो जाएंगे क्योंकि यही हो रहा है जितने मैंने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई अब कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन और मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं कैसे हम ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं पहले तो हम एलिफेंट्स के लिए कोई प्रोटेक्टेड एरिया बनाए जो कि नेशनल पार्क जिस तरह के भी एरियाज होते हैं इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स बनाए क्योंकि इनके माइग्रेशन रूट्स हैं तो इन केस आपको कुछ डेवलपमेंट करना भी है तो इसका कोई समाधान तो आपको पहले निकालना पड़ेगा इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स का मतलब है जब ये माइग्रेट करके जाते हैं तो ये विलेजेस से क्रॉस ना करें इनको रास्ता मिले प्रॉपर वरना कई बार गाड़ी चेज गाड़ियों को चेज करने लग जाते हैं जब रोड से गुजरते हैं काफ़ी जगह इलेक्ट्रिक फेंसेज और ट्रेंचेज लोग लगाते हैं तो अगर ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को बचाना है तो इनकी जान नहीं लेनी इनको डरा के आप अपने एग्रीकल्चर फील्ड से दूर रख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फेंसेज लगा के एकाउस्टिक डटोरेंट्स है <coughs> जैसे कि आ, बहुत सारे फायर क्रैकर्स आप यूज़ कर सकते हैं जिनकी आवाज़ से भाग जाएं लाइट बेस्ड डेटरेंट्स आग जला सकते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड डेटरेंट्स चिडी यूज़ कर सकते हैं अर्ली डिटेक्शन एंड वार्निंग काफी एलिफेंट्स के गले में कॉलर्स डाले गए थे कि अगर वो किसी विलेज के पास आ रहे हैं तो विलेज उसको एस एम एस आ जाएगा अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं क्या आपको ये मालूम है एलिफेंट्स दिस इज जस्ट फॉर फन कि आपको कुछ फैक्ट्स एलिफेंट्स के बारे में पता होने चाहिए अदरवाइज अभी तक जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड है एलिफेंट्स खुद को मिरर में रिकोगनाइज कर सकते हैं जो कि बहुत कम एनिमल्स करते हैं एलिफेंट्स अपने फैमिली मेंबर्स को याद रखते हैं अगर कोई एलिफेंट उनके हर्ड में से मर जाता है तो उसकी बोन्स को रिविजिट करते हैं ट्रंक से अपनी जो उनकी सूंड रहती है उससे उसको टच करके देखते हैं एलिफेंट्स मड बाँध लेते हैं कीचड़ में नहाते हैं उससे उनकी स्किन साफ़ रहती है बग्स और टिक्स दूर रहते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स जो हैं एक दिन में थ्री हंड्रेड पाउंड ऑफ फूड खा लेते हैं तो दिस इज़ जस्ट यू नो समन और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए या आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ में आपको मिल जाएगा यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में एक एनिमल को मेंशन किया गया एक्स तो आपको बताना है कि एनिमल कौन सा है आंसर जो है टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा तो आप ये देख सकते हैं ठीक है अगर आपको मालूम है वैसे तो हमने लेक्चर डिस्कस किया सो इट्स वेरी ईजी आप तो हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच